आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिल्मी अड्डा पर। बिल्कुल, आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपका स्पेशल प्रोग्राम ट्रूथ ऑफ बॉलीवुड, जहाँ पर आप सभी लोगों को हम बॉलीवुड के उन हसीनाओं के बारे में, बॉलीवुड के वो स्मार्ट हीरोज के बारे में बताते हैं जो कि उन अपनी एक्टिंग के जरिए कई लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किलों में है, क्या क्या कुछ नई जानकारियां हैं, क्या कुछ खास हुआ है उनकी लाइफ में, अगर आपको जानना है तो ये जानकारी आपको सिर्फ हमारे इस प्रोग्राम यानी कि ट्रूथ ऑफ बॉलीवुड में मिलता है। जब भी कोई फिल्म बनती है या जब भी कोई स्टार बनता है तो उसके पीछे उनकी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत अलग अलग समय का वो दौर देखते हैं, और जब वो स्टार बन जाते हैं तो वो दौर अपना वो ज़रूर याद करते हैं, और याद करते हुए कई बार इंटरव्यूज़ के दौरान, मीडिया से बातचीत के दौरान वो अपनी इन बातों का जिक्र करते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि आखिरकार जो पर्दे के पीछे हमारे स्टार्स होते हैं, जो पर्दे पर नज़र आते हैं उसके, और वो पर्दे के पीछे जब वो होते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है या उनकी सोच कैसी होती है। आज हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए बताने वाले हैं फिल्म के साथ जुड़ी जानकारी, लेकिन फिल्म के अंदर भी रियलिटी है। किसी फिल्म को बनाने में जो आप सीन देखते हैं वो भले ही आपको देखने में बहुत आसान लगता हो, बहुत ही मज़े आते हों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता हो, चाहे रोमांटिक कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए या इमोशनल कह लीजिए, हर किसी व्यक्ति के अंदर जो फिल्मों का इमोशन होता है वो लोगों को फील होने लगता है। पर ये होता कैसे है, कैसे ये एक्ट कोई कर लेता है, अपने आप में ये कला है, हर कोई जानता है, लेकिन इस कला को निखारने के लिए खुद स्टार्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, और इसी में से आज जानकारी लेकर आई हूँ कुछ ऐसे स्टार्स की जिन्होंने अपनी फिल्मों में अपने रोल को रियल में दिखाने के लिए उन्होंने शराब पी थी। जी हाँ, वैसे तो शूटिंग के दौरान ड्रिंक करके शूटिंग करना अलाउ कई जगहों पर नहीं होता, बट स्टार्स आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सुकून के लिए या अपने लिए उन्होंने ड्रिंक नहीं की थी, अपनी तरफ से अपने सेल्फ के लिए उन्होंने ड्रिंक नहीं की, बल्कि जिन स्टार्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो नशे में थे, नशे में उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी की, लेकिन अपने किरदार में अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लेने के लिए। बिल्कुल, यहाँ तक इस कहानी का अगर मैं जिक्र कर रही हूँ तो सबसे पहले इसमें नाम आता है आमिर खान का, एक ऐसे स्टार जो स्मोक एंड ड्रिंक के खिलाफ कई सारे अभियान उन्होंने चलाए हैं, लेकिन ये फिल्मों के दौरान उन्होंने खुद पूरी शराब की बोतल ही पी ली थी। ये किस्सा जो है उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी के दौरान का है, याद आ गया होगा आप सभी लोगों को वो गाना। खैर, इसके अलावा और भी कई स्टार्स हैं जिन्होंने वाकई में शूटिंग के दौरान ड्रिंक किया और उसके बाद अपने रोल को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाया। चलिए इसके बारे में इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिल्म के कलाकार अपने अभिनय को पर्दे पर अच्छे पेश करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, कभी कभी इनको वो भी करना पड़ता है जो इन्हें बिल्कुल भी करना पसंद ना हो। बॉलीवुड के स्टार्स का काम करने का अपना अलग अलग अंदाज होता है। आज हम आप सभी लोगों को बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान, जी हाँ, अपने किरदार में अपने आप को पूरा 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 ढालने के लिए उन्होंने नशे यानी कि शराब पिया। जी हाँ, आपको आज उन्हीं स्टार्स में से कुछ का जिक्र करने वाले हैं जिनमें सबसे पहला नाम आता है आमिर खान का। जी हाँ, बॉलीवुड के बेहद चर्चित स्टार आमिर खान अपनी फिल्म में हर काम बड़े परफेक्ट के साथ करते हैं। बता दें, आमिर ने अपनी दो फिल्मों में सीन देने के लिए रियल में शराब पी थी। वैसे तो इन्होंने अपने टीवी शो सत्यमेव जयते में, जी हाँ, नशे को लेकर के एक मुहिम चलाई थी और बताया था ड्रिंक करना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इन्होंने खुद फिल्म राजा हिंदुस्तानी में, जी हाँ, राजा हिंदुस्तानी में गाना तेरे इश्क में नाचे में
डांस करने के लिए। जी हाँ, उसमें अपने आप को उस एक्ट के दौरान, उस गाने के दौरान पूरी तरीके से खुद को उसमें ढालने के लिए उन्होंने एक बोतल शराब पूरी पी ली थी, जिसका खुलासा उन्होंने साल 2000 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान किया। बता दें, फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के साथ करिश्मा कपूर थी और ये फिल्म इन दोनों के करियर के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हुई। खैर दोस्तों, शायद आपको ये बात आज ही पता चली होगी कि आमिर ने अपनी फिल्म के शूटिंग के दौरान ड्रिंक कर रखा था। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नाम आता है राजकुमार राव का। राजकुमार राव ने फिल्म सिटी लाइट्स के एक सीन में राजकुमार राव ने सच में शराब पी ली होती है। राजकुमार राव ने डायरेक्टर से पूछकर किरदार के साथ न्याय करने के लिए 6 पैक वोडका लगा लिया था और उसके बाद उन्होंने इस सीन को 1 टेक में दिया। वेल, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नाम आता है फिल्म 3 इडियट के 3 स्टार्स का, जिनमें है आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी। जी हाँ, फिल्म 3 इडियट बम्पर हिट रही। रातों रात ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के दौरान बीच में एक ऐसा सीन भी आता है जिस सीन में ये तीनों ही स्टार्स, जी हाँ, रील में ड्रिंक करने का एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बता दे तो ये तीनों ही स्टार सच में ड्रिंक कर के रहते हैं। जी हाँ, आधी रात में ड्रिंक करने वाला सीन जो फिल्माया गया था, उनमें तीनों स्टार्स ने रियल का ड्रिंक कर रखा था। इसके अलावा बात करें विक्की कौशल की। कुछ समय पहले रिलीज़ हुई संजय दत्त की बायोपिक संजू में कमाली का किरदार निभाने वाले विक्की कौशल ने एक सीन में सच में ड्रिंक किया। इसका खुलासा उन्होंने खुद राजीव मंसद के शो में किया था। जी हाँ, और बताया कि आखिरकार उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरीके से सही पेश करने के लिए उन्होंने ड्रिंक किया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगले स्टार का नाम है वरुण धवन। जी हाँ, वरुण धवन वैसे तो ड्रिंक नहीं करते हैं ऐसा कहा जाता है, और वो अपने हेल्थ और फिटनेस पर खासा ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के क्लाइमेक्स सीन से पहले, जब हीरो वरुण आलिया को खोने के डर से रो रहे होते हैं, तब उन्होंने सच में शराब पी रखी होती है, यानी कि वो सच में नशे की हालत में होते हैं और उन्होंने इस फिल्म के सीन को शूट किया था। वैसे तो कहा जाता है कि जो फिल्मी स्टार्स होते हैं वो फिल्म के शूटिंग के दौरान, जी हाँ, अपने आप पे पूरा काबू रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके की कोई गलती ना हो। लेकिन जिस तरीके से अब ये खुलासा हो रहा है कि बॉलीवुड के ये जो स्टार्स हैं वो नशे की हालत में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, खासकर उन्होंने उस रोल में, जी हाँ, खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए जो उन्होंने शराब पिया था या ड्रिंक किया था, वो जानकर उनके फैंस वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। तो देखा आप सभी लोगों ने कि जो किरदार निभाने वाले कलाकार होते हैं उन सब की अपनी अपनी एक सीख लेने की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग उनका अंदाज़ होता है, चाहे वो एक्टिंग के मामले में, खासकर अगर कोई स्टार है तो वो एक्टिंग के मामले में अपने आप को परफेक्ट करने के लिए, अपनी एक्टिंग को, अपने रोल को परफेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो आप इस रिपोर्ट के ज़रिए जान ही चुके होंगे। तो यही होते हैं सच्चे कलाकार, और शायद ऐसे ही कलाकार आगे बढ़ जाते हैं जिनमें से ये स्टार्स कुछ चुनिंदा है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट और जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहे। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।